कच्चे चावल खाने से हो सकता है थायराइड, प्रोलैक्टिन, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ कच्चे चावल खाने से आपको क्या क्या नुकसान होता है और क्यों कच्चे चावल खाने का मन करता है और इसे खाना कैसे छोड़े। पहले हम ये जान लेते हैं कि कच्चे चावल खाने का मन क्यों करता है। जिसे पैका नामक की बीमारी हो जाती है उन्हें ये सब चीज़ें जो कि नॉन फूड आइटम्स है वो सब खाने का मन करता है। पैका बीमारी का मतलब ये होता है जिसके बॉडी में बेसलाइन से कम हीमोग्लोबिन हो, जिसे आयरन की कमी, न्यूट्रिशंस, जिंक, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्हें नॉन फूड आइटम्स खाने का मन करता है। जिसे खाने से हमें कोई फायदा नहीं होता है बल्कि और नुकसान होता है, वो चीज़ें खाने का मन करता है। इस बीमारी को पैका डिसऑर्डर कहते हैं। नॉन फूड आइटम्स यानी कि कच्चे चावल, स्लेट पेंसिल, चौक, आइस क्यूब्स, भुने हुए चावल, मुल्तानी मिट्टी, राख, कच्ची मिट्टी, सूखी मिट्टी, पेपर, खड़ी, चारकोल, ईट, क्ले पॉट, ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। इन सब चीज़ों में से कोई भी आदत हो खाने की तो आप समझ जाइए कि उन्हें पैका नामक की बीमारी हो चुकी है और उनके बॉडी में आयरन, कैल्शियम की कमी हो चुकी है। इस वजह से उन्हें ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। अब हम ये जानेंगे कि पैका बीमारी हो जाने से और कच्चे चावल खाने से और क्या क्या बीमारियाँ होते हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कच्चे चावल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। जितना चावल पका के खाने से जो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स मिलते हैं और उसे खाने से जितना फ़ायदा होता है, उसी चावल को बिना पकाए कच्चा चावल खाने से और भी नुकसान होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कच्चे चावल में बेसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया होता है, उस वजह से वो पेट में जाने से फूड पॉइजन हो सकता है। कच्चे चावल नहीं पचते हैं पेट में, उसकी वजह से आपको पेट दर्द होने लगता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, मोशन फ्री नहीं रहेगा, गैसेस प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम जानेंगे कि कच्चे चावल हद से ज़्यादा खाने से आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि किडनी में स्टोन हो सकता है, उसके साथ साथ अब्डोमिनल पेन हमेशा रहेगा, पेट में कीड़े हो सकते हैं, हद से ज़्यादा खांसी हो सकती है, गले में दर्द, गले में खराश हो सकता है, उसके साथ साथ पानी की तलखी बहुत ज़्यादा होने लगती है। आप पानी जितना चाहे उतना पियोगे, उसके बावजूद भी आपकी तलखी वैसे ही रहती है। कच्चा चावल खाने से दांत में दर्द और टूट सकते हैं, हद से ज़्यादा खाने की वजह से पेट में जाकर पचते नहीं हैं, उस वजह से हमेशा पेट फूला फूला, पेट भरा हुआ लगता है, उस वजह से आपको खाने की भूख नहीं लगती है और आप कुछ भी नहीं खाते हो, उस वजह से आपको कमज़ोरी और ज़्यादा हो जाती है, उस कमज़ोरी के चलते आपको वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, उसके साथ साथ आपको हेडफॉल हो सकता है, कमज़ोरी के वजह से आपके अंदर लेजीनेस और भी ज़्यादा आ जाएगी, काम करने में कोई आपको दिलचस्पी नहीं रहेगी, आपको काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। आप मैरिड हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो पहले ये जान लीजिए आपको थायराइड हो सकता है, उसके साथ साथ आयरन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। कच्चे चावल से आयरन की कमी हो जाती है, उस वजह से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, आप जल्द से जल्द कंसीव नहीं हो पाओगे, क्योंकि आयरन की कमी हो जाने से ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ओवरी में ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं होगा, उस वजह से ओवरी सही से काम नहीं कर पाती है और एग नहीं बन पाता है, और एग नहीं बनने की वजह से पीरियड सही टाइम पर नहीं आएंगे। जब आपके पीरियड सही टाइम पे नहीं आएंगे तो ओव्यूलेशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाएगा, वैसे में आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहे हो तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आयरन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो सकता है, ऑक्सीजन फ्लो
सही से नहीं होने की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होते रहेगी और थकान कमजोरी हद से ज्यादा होने लगेगी। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये ज़रूरी होता है कि आपको थायराइड नहीं होना चाहिए, थायराइड हाई नहीं होना चाहिए, प्रोलैक्टिन हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप कच्चे चावल खाने लगोगे तो आपको थायराइड प्रोलैक्टिन भी हो सकता है। थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको थायराइड प्रोलैक्टिन कम ज़्यादा हो जाए और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी कंसीव नहीं हो पाएंगे। कंसीव होने के लिए कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कच्चे चावल खाने से डायरेक्टली तो इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली असर बहुत पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में उतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस ही नहीं होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार ही नहीं हो पाता है बच्चे को कंसीव करने के लिए और बच्चे को ग्रो करने के लिए। मान लो अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएंगे तो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर बच्चा हो भी जाए, वक्त से पहले होने के चांसेस होते हैं, बच्चे का वेट बहुत कम रहेगा, बच्चा हेल्दी नहीं होता है, ये सब रीजंस हो सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो बॉडी में आयरन, कैल्शियम, थायराइड, प्रोलैक्टिन हर चीज़ नॉर्मल होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कंसीव कर पाओगे और आपका बेबी हेल्दी रहेगा। अगर आपको ये सब चीज़ों की कमी हो जाएगी बॉडी में तो बेबी हेल्दी नहीं रहेगा और आपको भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोई भी आदत, किसी भी तरह की आदत छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जितनी भी क्वांटिटी में आप कच्चे चावल खाते हो उसकी क्वांटिटी को धीरे धीरे से कम करके खाइए, उस वजह से आपकी आदत धीरे धीरे से छूट जाएगी और आपको कच्चे चावल खाने की आदत छूट जाएगी। फिर भी कच्चे चावल खाने का मन आपको कर रहा है, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका मिसकैरेज हो रहा है, ये एक रीजन हो सकता है, इसीलिए गायनोकोलॉजिस्ट से आप एक बार कंसल्ट जरूर करें। अगर आप बैचलर हो या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना चाहते हो, उसके बावजूद भी आपको कच्चा चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, किसी भी तरह से वो आदत आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उस टाइम आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे आयरन के, कैल्शियम के, उसे लेने से, वो कोर्स कंप्लीट करने से आपको ये जो कच्चे चावल, जो पैका नामक की बीमारी होती है वो दूर हो जाती है और जो भी आपको आदत होती है वो आपकी आदत छूट जाएगी। या फिर आप अपने से छोड़ना चाहते हो इस आदत को, तो घर पर ड्राई फ्रूट्स लीजिए, उसके साथ साथ जो आयरन बढ़ाए उस तरह के फ्रूट्स, जूसेस आप ले सकते हो, उस तरह से भी आप इस आदत को छोड़ सकते हो। पैका नामक की बीमारी के ऊपर और स्लेट पेंसिल, मुल्तानी मिट्टी, जो भी नॉन फूड आइटम्स होते हैं उसके मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हैं, लिंक मैं अकाउंट में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।